हाय एवरीवन। तो इस नए लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक नई वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं और थीम एंड प्लगइन को देखेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था लोकल WP कैसे इंस्टॉल करना है और इस पर साइट कैसे क्रिएट करना है। यदि नहीं पता है तो जैसे नॉर्मल एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वैसे इंस्टॉल कर लेना और ओपन कर लेना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पर वेबसाइट्स नहीं दिखाई देंगी जब आप इंस्टॉल करेंगे, मैंने पहले से बना रखे हैं तो यहाँ पर दिख रही हैं। तो अब नई वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर बॉटम लेफ्ट में जाइए और यहाँ पर होवर कीजिए, तो यहाँ पर लिख के आ रहा है ऐड लोकल साइट, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट न्यू साइट और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद हमें अपनी वेबसाइट का नाम देना होगा। सो फर्स्ट वेबसाइट में लिख देता हूँ, तो ये मेरी वेबसाइट का नाम है, आप अपनी वेबसाइट का नाम रख सकते हैं। एंड देन कंटिन्यू, अगेन प्रेफर्ड सेटिंग्स ही रखना एंड कंटिन्यू। अब ये वर्डप्रेस का लॉगिन यूज़र नेम है और वर्डप्रेस का पासवर्ड, एंड देन जो भी हम वर्डप्रेस में ईमेल सेट करना चाहते हैं वो हमें रखना होगा, और ईमेल हम बाद में चेंज कर सकते हैं और पासवर्ड भी। तो ऐसा करना, बना लेना और ध्यान रख लेना, बार बार चेंज करने की दिक्कत मत पालना। तो एडमिन एंड मैं पासवर्ड भी एडमिन रख देता हूँ ताकि लॉग इन लॉग आउट हम देम में दिक्कत ना हो, और ये हम बार बार ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम अपनी लोकल साइट को स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं सर्वर, तो हर बार लॉग इन करना पड़ता है। तो एडमिन एडमिन, और यहाँ पर मैं जीमेल को भी ऐसे ही रख देता हूँ, admin@gmail.com। और एड न्यू साइट, तो 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा फर्स्ट कोई भी वेबसाइट या नई वेबसाइट क्रिएट करने में, तो थोड़ा सा वेट करना है। और फिर जैसे ही वेबसाइट क्रिएट होती है मैं आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। और वेबसाइट ऐड करते समय इंस्टॉलेशन होती है और उसके पहले परमिशन ली जाती है इस ऐप द्वारा आपसे, तो उसको अलाउड कर देना है ताकि ये इंटरनल स्क्रिप्ट्स रन कर सके और वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सके। तो यहाँ पर इंस्टॉल लिंक चल रही है वर्डप्रेस की और हम इसका वेट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पर ये रन भी करने लगेगी, इस तरीके से ये इंटरफेस हो आ जाएगा। अब क्या करना है, अब ओपन वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ओपन साइट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा मेरी वेबसाइट जो अभी मैंने क्रिएट की है वो इंस्टॉल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो मैं इसको ना कट करके नए टैब में डाल देता हूँ और ये URL पेस्ट कर देना है, जो भी आपके वेबसाइट का नाम डॉट लोकल है। और यहाँ पर क्लिक करोगे ये ओपन वेबसाइट, तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और फिर क्या करना है, फिर WP Admin पर क्लिक करना है, तो फिर एक वेबसाइट ओपन होगी और वही वेबसाइट है बट ये एडमिन पैनल है। तो ये मेन वेबसाइट है, ये इसका एडमिन है और हम यहाँ से भी एडमिन पर जा सकते हैं। ये URL कॉपी किया और यहाँ पेस्ट और लास्ट में लिख दिया WP Admin, तो ऐसे भी हम जा सकते हैं। और ऐप ओपन किया और यहाँ पर WP Admin, तो भी जा सकते हैं। तो दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। अब यहाँ पर जाके लॉग इन करना सबसे पहले, तो एडमिन और यहाँ पर एडमिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो कुछ भी बनाया था वो इंसर्ट कर देना है और लॉग इन पर क्लिक करना है, तो लॉग इन हो जाएगा। आप जैसे ही लॉग इन करोगे तो यहाँ पर ही डैशबोर्ड ओपन होता है, डैशबोर्ड, और ये वर्डप्रेस का वेलकम पेज आ जाता है। तो ये एडमिन पैनल है और इसकी मदद से जो आउटपुट आ रहा है वो ये है। तो ये हम मान सकते हैं फ्रंट एंड है और यहाँ पर ये बैक एंड है। जो भी हम यहाँ फंक्शनैलिटी ऐड कर या कस्टमाइजेशन करेंगे वो रिफ्लेक्ट इधर होंगे। तो यहाँ पर अब ये एक सिंपल सी थीम इंस्टॉल होके आती है वर्डप्रेस के साथ, और अब हमें क्या करना है, इस थीम को चेंज करना है। तो आप देखो साइड बार है ये और यहाँ पर ये मेन्यूज हैं, तो हमें ओपन होवर करना है किस पर, अपियरेंस पर। तो सबसे पहले हम देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कुछ ही ऑप्शन आ रहे हैं थीम का और एडिटर का, तो हमें थीम पर जाना है। जैसे ही मैंने थीम पर क्लिक किया तो जो भी वर्डप्रेस के साथ थीम आती हैं वो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएंगी। तो 1 2 3 थीम आती हैं और नई ऐड करना है तो हम ये ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे।
तो अब हमें नई थीम ऐड करना है, तो इस पर मैंने क्लिक किया। और यहाँ पर जब आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होगा तो उसकी मदद से यहाँ पर हम बहुत सारी थीम्स को सर्च कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने से पहले हम प्रीव्यू भी ले सकते हैं कि जो हमारी करंट वेबसाइट है इस पर नई वाली थीम या फिर जो ये थीम हम चेक कर रहे हैं वो कैसी दिखेगी। तो आप सबसे पहले कोई भी कस्टमाइजेशन या कुछ नहीं करना है, एक बेसिक थीम इंस्टॉल करना है जिसमें एवरेज फीचर हो, ना तो ज़्यादा फंक्शनैलिटी हो और ना ही बहुत कम। तो जो पहले से इंस्टॉल है सब बहुत कम फंक्शनैलिटी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये एस्ट्रा थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ। क्या एस्ट्रा, और इस पर क्लिक करोगे तो पेज ओपन हो जाएगा, और होवर करोगे तो यहाँ पर ये बटन आएंगे इंस्टॉल एंड प्रीव्यू। तो मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया तो ये इंस्टॉल होने लगेगी। तब तक ये देखो, ये क्या है, वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट पेज, या फिर वर्डप्रेस का नहीं, ये इस थीम का डिफ़ॉल्ट पेज है। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन है, और यहाँ पर एक सैम्पल पेज भी है, और नीचे ये फुटर है। तो ये सबसे नीचे कौन सा पार्ट है, फुटर है, और यहाँ पर ये हेडर है जहाँ पर ये वेबसाइट का नाम, और ये एक पेज, तो मतलब एक पेज ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम के साथ आया है। तो यहाँ पर मैंने सैम्पल पेज को विज़िट किया, तो ये सैम्पल पेज की हेडिंग, ये कंटेंट एंड थोड़ा सा ये बस। तो ये जो पेज था वो है, और ये फ्रंट पेज है। तो अब हमारी थीम इंस्टॉल हो जानी चाहिए थी, बट फेल हो चुकी है। तो कुछ नहीं, देखते हैं क्या दिक्कत है। तो इसको मैंने फिर से रिफ्रेश किया है, और फिर से इसको इंस्टॉल पर क्लिक करना है, और इसका वेट करना है। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद मैं मिलता हूँ फिर से, तब तक के लिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। सो वर्डप्रेस थीम यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, तो इसको एक्टिवेट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही एक्टिवेट पर क्लिक कर देंगे तो ये वर्डप्रेस थीम सेट हो जाएगी। अब जो बाकी बची हुई थीम है हम इनको डिलीट कर सकते हैं, तो क्लिक करना है उस पर और डिलीट, और ये क्लिक किया और ये डिलीट पर क्लिक किया, और ये क्लिक किया और डिलीट। तो ये सारी थीम मैंने डिलीट कर दी। अब बस एक थीम है हमारे पास। अब देखो, सबसे पहले मैं डैशबोर्ड पर गया, और यहाँ पर जो बार बार ये वेलकम पेज या फिर जो वेलकम नोटिस सा दिखाई दे रहा है इसको बंद करना है। तो यहाँ पर टॉप में देखना है एक स्क्रीन का ऑप्शन होगा, और यहाँ पर ये सारे जो भी नोटिफिकेशन से यहाँ पर हम बंद कर सकते हैं। तो ये वेलकम था, मैंने बंद कर दिया तो ये चला गया, और इस स्क्रीन ऑप्शन को मैंने हाइड क्लिक कर दिया तो ये वापस से कॉल अप हो गया। तो ये डैशबोर्ड है। अब जैसे ही मैं अपीयरेंस पर होवर करूँगा तो देखा था कि बहुत ही कम ऑप्शन थे, और यहाँ पर अब बहुत दो ऑप्शन थे पहले, अब 6 ऑप्शन आ चुके हैं। तो ये ना जो थीम है क्या करती है, ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। तो ऐसे हम थीम की इंस्टॉलेशन करते हैं, और अपनी अब हम वेबसाइट पर जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो नई थीम थी वो यहाँ पर सेट होके आ जाएगी। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि थीम को कैसे इंस्टॉल करना है। अब थीम को इंस्टॉल करना तो आ गया है, अब हम प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। तो प्लग इन बेसिकली पीस ऑफ कोड है जो फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए यूज़ होता है, और मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो या फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोर्स में बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, तो वो देख लेना पहले। अब प्लग इन इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर प्लग इन पर जाना है और क्लिक करना है इंस्टॉल प्लगइन्स। तो जैसे ही क्लिक करेंगे इंस्टॉल प्लगइन पर तो जो भी इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पर लिस्ट होंगे, बट अभी कोई भी इंस्टॉल नहीं है तो कुछ भी शो नहीं हो रहा है। हमें नई प्लगइन ऐड करनी है, और हम ऐसी कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए उससे रिलेटेड सारी प्लगइन होती हैं। तो अभी मान लो मुझे कोई फॉर्म क्रिएट करना है तो उसके लिए प्लगइन है, तो यहाँ पर क्लिक न्यू प्लगइन क्लिक कर देना है, ऐड न्यू प्लगइन पर। तो यहाँ पर ये सारी प्लगइन आ जाएंगी जो फीचर्स से रिलेटेड हैं इसकी हमारी वेबसाइट की। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, और इस सर्च प्लगइन पर क्लिक करना है। इस सर्च बार में मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ WP Forms और एंटर कर दिया।
तो यहाँ पर ये प्लगइन आ जाएगी सर्च में। अभी सर्चिंग चल रही है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट पर। तो ये प्लगइन यहाँ पर आ चुकी है और मैंने इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया। अब ये क्या होगी, डाउनलोड होगी, देन इंस्टॉल होगी, फिर इंस्टॉल के बाद हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। सो वेट करते हैं। और कोई भी प्लगइन, कोई भी थीम इंस्टॉल होते समय या एक्टिवेट होते समय करते समय कभी भी रिफ्रेश नहीं करना है पेज को। देखो ये ना, पता नहीं आज क्यों ये डाउनलोड फेल्ड का एरर आ रहा है, ज़्यादातर नहीं आता है, तो इसको इग्नोर करना है और पेज को फिर से रिफ्रेश कर देना है। आई होप जो भी एरर्स है वो हट जाएंगे अभी, क्योंकि देखो थीम इंस्टॉल किया था तब एरर आया था, मैंने रिफ्रेश किया, इंस्टॉल किया तो एरर चला गया। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है इंटरनली कभी कभी, ऐसा नहीं है कि बार बार होंगी, तो इसको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो अब ये प्लगइन इंस्टॉल हो रही है और इसका हम वेट करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेजेस एंड पोस्टर, पेजेस एंड पोस्ट। तो सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, इसी में बता देता हूँ ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ पढ़ पाए। तो जो भी CMS होता है या WordPress होता है, तो इसमें बेसिकली कोई भी पेज देखोगे तो ऐसे दिखेगा, कोई भी पेज मतलब जिस डिजाइन होगा वैसे दिखेगा। तो जब हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो हम बहुत सारे पेज देखते हैं, तो कुछ पेजेस का, कुछ कुछ पेज होते हैं जिनका डिजाइन क्या होता है, सेम होता है। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन किया, तो ये अभी ओपन हो जाएगी। जैसे अब ये वेबसाइट है, तो इसमें जो भी ओपन है, ये क्या है, एक पेज ओपन है, और इस पर ये क्या आ रहा है, तो ये एक पोस्ट है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये है पोस्ट लेकिन ऐसा ही पेज ओपन होगी। लेकिन तो फिर डिफरेंस क्या हुआ पेज एंड पोस्ट में? तो पोस्ट बहुत सारी हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं पोस्ट? 1, 2, 3, 4, 5 हज़ार, कुछ भी नंबर हो सकता है पोस्ट का। तो अब इन पोस्टों को हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, लेकिन बार बार डिजाइन तो नहीं करेंगे ना, कि हर एक पोस्ट को डिजाइन करेंगे, नहीं ऐसा हम नहीं करते हैं, कि हर एक पोस्ट को डिजाइन नहीं करते हैं। हम एक पोस्ट का स्ट्रक्चर बना देते हैं और वही फॉलो करते हैं। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, और अब वो स्ट्रक्चर अब जैसे रहता है हर एक पोस्ट का ज़्यादातर, तो हेडिंग रहती है, क्या रहती है, हेडिंग किसकी, पोस्ट की। ये देखो जब थिंग्स कॉमन हो, जब थिंग्स कॉमन हो तो हम उसे पोस्ट बना देते हैं, और थिंग्स डिफरेंट हो तो हम उसे पेज बना देते हैं। अब जैसे पेज, पेज होम पेज हो सकता है, अबाउट पेज हो सकता है जो डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, कॉन्टैक्ट पेज हो सकता है, सर्विसेज पेज हो सकता है, प्रोडक्ट्स पेज हो सकता है। तो ये सभी क्या है, पेजेस हैं। और पोस्ट, पोस्ट की बात करें, मान लो मैं सी प्रोग्रामिंग पर पोस्ट लिख रहा हूँ, वर्डप्रेस पर लिख रहा हूँ, तो क्या होंगी पोस्ट इसमें, वर्डप्रेस क्या है, एक पोस्ट इस पर लिख सकते हैं, दूसरा प्लगइन, वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, फिर मैं प्लगइन का ट्यूटोरियल लिखना चाहता हूँ। तो इनमें ना कुछ सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सबसे पहले क्या लिखा होगा, हेडिंग लिखी होगी, हेडिंग के बाद क्या लिखा होगा, तो थंबनेल होगा, थंबनेल, और इसको ना फीचर्ड, जो भी पोस्ट की इमेज होती है वो बोलते हैं, तो वो होगी। फिर इसके बाद क्या होगा, हेडिंग आगे पीछे हो सकती है, तो वो, फिर क्या होगा, कंटेंट होगा, फिर एच दूसरी हेडिंग होगी, फिर उसका कंटेंट होगा, और लास्ट में क्या होगा, कमेंट्स होंगे। और फिर दूसरा, एक तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, फिर किसी भी पोस्ट में साइड में, साइड बार में, जैसे ही ये ओपन नहीं हुई या इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये वेबसाइट जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो राइट साइड में आप देखोगे कि कैटेगरीज आ रही हैं, सर्च फॉर्म आ रहा है। तो ये फंक्शनैलिटी ना हर एक पोस्ट में सेम रहती है, या फिर मैं कहूँ अपियरेंस सेम रहता है। तो पोस्ट तब क्रिएट करनी है जब हमें सेम टाइप ऑफ डिजाइन चाहिए, सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो, और पेज कब क्रिएट करना हो, जब डिफरेंट। तो आई होप पोस्ट एंड पेज समझ में आ गया होगा, और प्लगइन
हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, अब हमें इसको क्या करना है, एक्टिवेट कर देना। तो प्लगइन एक्टिवेट हो चुकी है। सो अब देख तो अभी नहीं रही है, यहाँ पर साइड में ऑप्शंस देख रहे होंगे, तो इनमें से ऑप्शन नहीं आया है। ज़रूरी नहीं कि कोई प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आए, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि बहुत सारी प्लगइन हैं तो ऑप्शन वो कहीं ना कहीं तो देंगे ना, तो ज़्यादातर ऑप्शन यही दे दिए जाते हैं प्लगइन के द्वारा। तो यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पर गया, तो अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड हो गया WP फॉर्म्स। तो ये वही प्लगइन है जिसे हमने इंस्टॉल किया था। अब मैं इस फॉर्म्स पर क्लिक करूँगा तो ये ऑल फॉर्म आ जाएगा। अब मैंने फॉर्म की प्लगइन इंस्टॉल कर ली, तो ये ना एक एडिशनल फीचर ऐड हो गया मेरे वर्डप्रेस में। तो इस तरीके से ये सारे फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म के लिए हम यही प्लगइन यूज़ करें, और भी बहुत सारी हैं जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और मैट फॉर्म, निंजा फॉर्म, ये सभी फॉर्म के लिए प्लगइन है। तो आई होप समझ में आया होगा कि थीम एंड प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है, पेज एंड पोस्ट क्या होता है। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे क्रिएट करना है प्लगइन, पोस्ट एंड पेज को कैसे क्रिएट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है। सो थैंक यू।